है तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी? अरे क्वेश्चन है इसमें। हाँ एक और क्वेश्चन बताओ, यदि दो जो इलेक्ट्रिक करंट है तो किस पे डिपेंड करती है? तुम बताओ इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी। करंट बहुत अच्छे से इसको समझाए थे, और ये यही सबसे टफ पार्ट है इस चैप्टर का, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन पढ़ दूं, हिंदी पढ़ रहा हूं समझ लेना, हिंदी का है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश धारा, मतलब कि फोटो करंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन है। फोटो करंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला ऑप्शन है कि इंटेंसिटी एंड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी बोथ, दूसरा ऑप्शन है कि डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी एंड डज नॉट डिपेंड द इंटेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है कि डिपेंड ऑन इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी, चौथा ऑप्शन है इफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज सो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज। चलो अब रुक जाओ, अभी तुम लोगों से बन जाएगा देखना। तुम बताओ इंटेंसिटी होती क्या है, और अच्छे से बताओ इंटेंसिटी मतलब क्या। कोई मास कितना फोर्स झेल सकता है, कितनी पावर झेल सकता है कोई ऑब्जेक्ट? फ्रीक्वेंसी बताओ, तुम बताओ आवृत्ति क्या है। ये पुराने जमाने के मिथुन चक्रवर्ती बन के क्यों बैठे हो? है इलेक्ट्रॉन कितना तेज वाइब्रेट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है ना। और इंटेंसिटी मतलब है कि पर यूनिट टाइम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा, थर्ड ऑप्शन। मतलब इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन जब मेटल के प्लेट से टकराती है तो टकरा के इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लगता है? ये ऑप्शन, सॉरी ये मैं बीच में लिख दिया था, 10^-1 सेकेंड, 10^-4 सेकेंड, 10^-10 सेकेंड, 10^-16 सेकेंड। सुनो सब अंधी मार रहे हो, इससे अच्छा आंसर जान लो, 1/10 सेकेंड यानी 10^-1 सेकेंड। मतलब जैसे फोटोन टकराया, टकरा के इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 0.1 सेकेंड में, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। सही है, न्यूक्लियोफिलिक का एग्जाम्पल था, बड़ा सा डायग्राम बनाए थे याद करो, 3D डायग्राम ऐसे स्क्वायर टाइप का, पंखे का एग्जाम्पल दिया था। हाँ इसका एग्जाम्पल दिया था, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पंखे का बन जाएगा, बना दो। कब करोगे? जब बोला था इसको पढ़ के आ रहा, क्या कर रही थी घर, क्या कर रही थी घर, ये बताओ। हाँ सही है ना, वो सही है, बीच माला हो गया सिग्मा और साइड साइड के हो गया पाई। बनाओ तुम जीआई के एग्जांपल, जाओ। ट्रांस हो जाएगा, तुम तीनों आ जाओ। सबका फार्मूला भी लिखते जाओ। CH4। तीन तीन गलत है, गलत है। क्यों हेजर के बाद? हाँ वो सही, हाँ तो सही है ना वो। अब सात का क्या होगा, फिफ्थ का क्या लिखी हो? पेंटेन, PEN। पेंटेन।
एग्जैक्ट क्या होगा सेवन का?